नमस्कार, एमएनसी न्यूज की इस कड़ी में आपका स्वागत है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जो आगामी 9 सितंबर को जनपद के कायस्थ समाज से जुड़े मेधावियों का सम्मान करने का कार्यक्रम करने जा रही थी, लेकिन उसके पूर्व समाज के दूसरे गुट के द्वारा संगठन में ही असली नकली का सवाल खड़ा कर दिया गया है। वहीं अब अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रविनंदन सहाय और जिला अध्यक्ष आलोक श्रीवास्तव हैं, आज अपने राष्ट्रीय सचिव और जनपद के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर प्रेस वार्ता किया और बताया कि उनका संगठन किस तरह से समाज के लिए कार्य कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। दूसरे गुट के लोग सिर्फ राजनीति में फंसकर समाज के लिए कार्य करने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। आज का मुख्य बिंदु ये रहा कि आज जो कतिपय लोगों द्वारा अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के ऊपर गलत भावना को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके सही बात क्या है वो आप सब पत्रकार बंधुओं के सामने प्रस्तुत करना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा 125 साल से सेवा कर रही है बिरादरी की, समाज की, और अपने सेवा कार्यों के लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रविनंदन सहाय साहब के नेतृत्व में श्री निर्मल शंकर जी हमारे वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वाराणसी के हैं, इनके मार्गदर्शन में कायस्थ महासभा बिरादरी के प्रति अपना समर्पण भाव से पूरा कार्य करती चली आ रही है। नवीन जी, आखिर मुख्य रूप से विवाद क्या है और अब करना क्या चाहते हैं? विवाद है कि संस्था के रजिस्ट्रेशन को लेकर दोनों पक्ष न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं, हमारा मुकदमा चल रहा है। हम लोगों ने अपने अपने चुनाव कराकर श्रीमान उप निबंधक आगरा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है और वहां पे अंतिम बहस होकर इस निर्णय को आना शेष है कि हमारा कौन वैध प्रतिनिधि है। और हमारा मैनपुरी में भी हमारे खिलाफ जो एक पार्टी ऑर्डर हो गया था उसका जनपद में कोई समस्या नहीं है। हम एक मेधावी बच्चों को पुरस्कृत करने का काम करने जा रहे हैं, इससे उनको मतलब हमारी बढ़ती हुई लोकप्रियता से उनको खतरा पैदा हो रहा है और इस तरह से वो चाहते हैं कि इन ये ऋण अभी ये कार्यक्रम रुक जाए। कार्यक्रम अपना चलेगा, हमने अपने परमिशन के लिए अप्लाई कर दिया है, शासन का काम है कि परमिशन दे या न दे। और जो लोग विरोध कर रहे हैं तो वो भी तो आप ही के समाज से हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए था ये कार्यक्रम हमारा, या तो जब हमने चेकआउट किया 2 महीना पहले तब ये मेरा विरोध किए होते या 9 तारीख के बाद विरोध करते तब हमें लगता है, और हम एक दरी में बैठ के बात कर लेते तो ये ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन भगवान उनको सद्बुद्धि दे हैं कि वो अपना जो है स्वभाव बदल लें तो ज़्यादा ही अच्छा है। एमएमसी न्यूज़ के लिए गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।